नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल सक्सेस प्लेस में। इस वीडियो में हम बात करेंगे HUL के क्वार्टर फोर के रिजल्ट के बारे में। इससे बहुत सारी आशाएं थी कि बहुत ही अच्छा रिजल्ट पेश करेगा, बहुत ही आउट परफॉर्म करेगा जो HUL का रिजल्ट है, क्योंकि जो लॉकडाउन है उसमें बहुत सारे लोग बहुत सारी सामान जो है अपने डेली खर्च के, डेली यूज के वो खरीद कर रख लिए होंगे, जिससे इसका प्रॉफिट बहुत ही ज़्यादा जंप करेगा, ऐसा सारा का सारा एस्टिमेट था। लेकिन सारा का सारा एस्टिमेट गलत हो गया, लॉस जो HUL पेश किया है। तो चलिए हम HUL के रिजल्ट को देखते हैं कि HUL का रिजल्ट इतना खराब कैसे आया। ये जो हमारे निफ्टी 50 है उसके लीडिंग 5 शेयर में से एक है। पिछले दो तीन दिन से देख रहे होंगे कि HUL का जो शेयर है वो भी धीरे धीरे फॉल हो रहा है। इसका मतलब बाजार को में जो बड़े बड़े प्लेयर हैं, उस बड़े बड़े प्लेयर को पता था कि HUL का जो रिजल्ट है वो अच्छा नहीं आने वाला है, इसीलिए HUL का जो शेयर है आप दो तीन दिन से देख रहे होंगे वो धीरे धीरे नीचे आ रहा है। तो हम शेयर की भी बात करेंगे, उसके लेवल्स की भी बात करेंगे, किस लेवल्स पर आपको बाय करना चाहिए, और आगे की संभावनाओं की भी बात करेंगे कि आगे आने वाले क्वार्टर में क्या हो सकता है। जब इस क्वार्टर में फॉल आया है 3% का प्रॉफिट में, तो अगले क्वार्टर में कितना तरह का फॉल आ सकता है, कितना परसेंट का फॉल आ सकता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं HUL क्वार्टर फोर रिजल्ट्स, प्रॉफिट ड्रॉप्स 3% टू RS 1520 करोड़ टू इतना करोड़, जबकि कम से कम 1800 करोड़ का एस्टिमेट था कि इतना 1800 करोड़ कम से कम प्रॉफिट आएगा HUL का, लेकिन 300 करोड़ का देख सकते हैं बहुत बड़ा ड्रॉप है। 3% का प्रॉफिट में ड्रॉप आया है, वॉल्यूम में ड्रॉप हुआ है 7%। तो चलिए हम इसको डिटेल में देखते हैं आगे। तो यहाँ देख सकते हैं कि न्यू दिल्ली FMCG मेजर हिंदुस्तान डिलीवर ऑन थर्सडे रिपोर्टेड इतना परसेंट ईयर ऑन ईयर ड्रॉप इन कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट एट इतना करोड़ 1520 करोड़ फॉर मार्च क्वार्टर के लिए इतना करोड़ का प्रॉफिट पेश किया है, जो कि 3.43% का ड्रॉप है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर करा है, कंपेयर विथ इतना करोड़ इन द सेम क्वार्टर लास्ट ईयर। मतलब ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपेयर किया गया है, पिछले साल का जो मार्च क्वार्टर का जो प्रॉफिट था उससे ड्रॉप आया है, मतलब कम आया है 3% का। तो देख सकते हैं इतना परसेंट का ड्रॉप आया है। कह रहा है प्रॉफिट फिगर मिस द इकोनॉमिक टाइम्स नाउ पोल एस्टिमेट RS 1822 करोड़, जो इकोनॉमिक टाइम्स है वो इतना का एस्टिमेट किया था उससे बहुत ही कम आया है। रेवेन्यू फॉर द क्वार्टर फेल टू इतना, रेवेन्यू भी डिक्रीज हो गया है, देख सकते हैं कि 9055 करोड़ इतना का रेवेन्यू आया है, कि जो कि लेस है किससे 10018 करोड़ इन ईयर एगो क्वार्टर। मतलब पिछले साल का जो मार्च क्वार्टर था उसमें जो रेवेन्यू था 10018 करोड़ का, उससे रेवेन्यू बहुत कम आया है। और कितना कम आया है तो देख सकते हैं, पिछले क्वार्टर में था 10018 करोड़ और इस बार का जो क्वार्टर है उसमें रेवेन्यू आया है 9055 करोड़। तो देख सकते हैं इतना का रेवेन्यू में डिक्रीज आया है, और ये किसके कारण आया है, COVID-19 के इम्पैक्ट के कारण, जो कि बिजनेस को प्रभावित किया है मार्च मिड से, मतलब मध्य मार्च से प्रभावित किया है जो कि HUL के बिजनेस को। तो आगे देखिए बताया जा रहा है डोमेस्टिक कंज्यूमर ग्रोथ डिक्लाइंस 9%, जो कंज्यूमर का ग्रोथ है वो 9% डिक्लाइन कर गया, विथ ए डिक्लाइन ऑफ 7% इन अंडरलाइंग वॉल्यूम ग्रोथ में 7% का डिक्रीज हुआ, मतलब ओवरऑल जो वॉल्यूम है उसमें 7% का डिक्रीज, और 9% का डोमेस्टिक कंज्यूमर में जो ग्रोथ है, मतलब कंज्यूमर जो बढ़ रहा था उसमें 9% की घटा आया है, मतलब गिरावट आया है, जो जिस रेट से कंज्यूमर लगातार HUL कंपनी के प्रोडक्ट को यूज़ करने वाले कंज्यूमर बढ़ रहे थे, वो बढ़ने के बदले इस बार 9% से डिक्लाइन हुआ है। और आगे देख सकते हैं यहाँ पर ऑन ए स्टैंड लोन बेसिस, ये तो हमारा कंसोलिडेटेड बेसिस पे था कि 3% का प्रॉफिट में गिरावट आया है, वहीं अब जो स्टैंड लोन बेसिस है उसके ऊपर ये 1% का डिक्रीज हुआ है प्रॉफिट में। देख सकते हैं स्टैंड लोन बेसिस प्रॉफिट फेल 1% टू इतना करोड़ 1519 करोड़, स्टैंड लोन बेसिस पर जो है हमारा 1% का डिक्रीज हुआ है प्रॉफिट में। तो ये है HUL का क्वार्टर रिजल्ट क्वार्टर फोर का। तो इस तरह से देख सकते हैं कि जो हमारा है HUL का रिजल्ट से जो
आशाएं थी, ये बहुत ही अच्छा प्रॉफिट पेश करेगा और शेयर में एक बार तेज मोमेंटम देखने मिलेगा, वैसा कुछ नहीं हुआ है, बल्कि प्रॉफिट उल्टा ही फॉल किया है। तो अब आगे देख सकते हैं, कंपनी सेड इट इज़ करेंटली ऑपरेटिंग अबाउट 70% ऑफ नॉर्मलेटिव लेवल्स, जो नॉर्मल लेवल में जितना वर्क था कंपनी का उसे 17% ही वर्क चल रहा है। तो समझ सकते हैं 30% जो है वो काम अभी नहीं चल रहा है, 30% काम नहीं चल रहा है, तो प्रॉफिट में भी कमी आएगा। होपफुल टू इम्प्रूव दिस इन द कमिंग डेज, ऐसा किया जाता है कि आने वाले दिनों में इसमें इम्प्रूवमेंट होगा और हम नॉर्मल रूप से वर्क कर पाएंगे। अभी मात्र 70% वर्क चल रहा है और वो भी FMCG के लीडिंग कंपनी का, क्योंकि जैसे जैसे आप लॉकडाउन और बढ़ते आपको और सारी नेसेसरी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी लाइफ को सर्वाइव करने के लिए। और ये कंपनियां जो प्रोडक्ट बनाती है, जैसे लाइफ बॉय बनाती है, डिटोल बनाती है, लक्स बनाती है, बहुत सारी इसके प्रोडक्ट हैं जो कि आप डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, तो ये हमारे लिए डेली लाइफ में यूजफुल थिंग्स बनाती है। तो इसलिए बहुत ही ज़रूरी है कि इस कंपनी का काम लगातार चलता रहे और प्रोडक्ट बनता रहे, क्योंकि ज़्यादा लंबा लॉकडाउन चलेगा तो और भी ज़्यादा ये कंपनियों के जो प्रॉफिट है प्रभावित होंगे, तो आपको शेयर में करेक्शन देखने मिल सकता है। तो चलिए एक दिन में देख सकते हैं, यहाँ पर हमारा कंपनी का चार्ट लगा चुके हैं शेयर का। एक दिन में जो प्राइस है वो डाउन रहा है, कितना का, 26 रुपीज़ का, 1.20% डाउन रहा है। और ये देख सकते हैं कंपनी जो 52 वीक हाई बनाया है वो देख सकते हैं 2614 रुपीज़ का, जो कि इसी लॉकडाउन में बनाया है, इसी लॉकडाउन में ये हाई बनाया है। और लगातार दो तीन दिनों से ये कंपनी जो है लगातार इसका शेयर नीचे गिर रहा है, आप 1 month 5 days में भी देख सकते हैं। देखिए 5 days में लगातार जो शेयर में गिरावट आई है, मतलब मार्केट के जो बड़े प्लेयर्स हैं उसे कहीं ना कहीं पता था कंपनी का रिजल्ट अच्छा नहीं आने वाला है। देख सकते हैं कि लगातार एक मंथ में देखते हैं, तो एक मंथ में देखिए कंपनी यहाँ पर देख लीजिए अपने 52 वीक हाई से धीरे धीरे नीचे आ रही है। 6 month का देखेंगे तो बीच में कंपनी में तेज़ गिरावट देखने मिला था, फिर कंपनी देखिए अपने हाई के पास गई, फिर से इसमें गिरावट देखने मिला। तो इस तरह से देख सकते हैं, 5 years का चार्ट देख लीजिए, बहुत ही अच्छा है कंपनी। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए देख सकते हैं, बहुत ही बेटर कंपनी है, लगातार देख सकते हैं कंपनी अप ट्रेंड में है। तो हिंदुस्तान लीवर जो कि बहुत ही एक अच्छा स्टॉक्स है, थोड़ा सा प्रॉफिट में फॉल देखने मिला है, ये हर कंपनी का रिजल्ट को प्रभावित किया है COVID-19, जो कि अगले 1st quarter में और ज़्यादा आपको प्रभावित होते हुए देखने मिल सकता है। तो इसमें बहुत सारे मतलब लोग एक्साइटेड थे इन्वेस्ट करने के लिए कि HUL जो है लगातार लॉकडाउन में भी ये शेयर ऊपर जाता रहा होगा। आप देख सकते हैं ये इसका शेयर जो है ऊपर जाना बंद हो चुका है, इसमें जो मूवमेंट था वो भी रुक चुका है और जो रिजल्ट है उसको वो भी इसको प्रभावित किया है। तो अब इसमें आपको एक तेज़ मोमेंटम देखने नहीं मिल सकता है। तो अब इस स्टॉक पे आप क्या करें, अभी आप फिलहाल इसे वॉच करें, मार्केट का डायरेक्शन क्या आता है आने वाले समय में उसको देखें। अभी मार्केट में बहुत ही तेज़ मोमेंटम आपको देखने मिल रहा है, ये मोमेंटम अगर कैरी ऑन रहता है तो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं जो अच्छे स्टॉक्स है। फंडामेंटली जैसे HUL स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स है, इसमें थोड़ा सा करेक्शन आता है तो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, जैसे 2000 के लेवल से नीचे आता है तो इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन आप देख सकते हैं इसका भी रिजल्ट वैसा एक्साइटमेंट वाला नहीं है जिससे ये नया आउट परफॉर्म करे। ये भी मतलब जो नॉर्मल शेयर है, जिस तरह से सारे शेयर प्रभावित हुए हैं COVID-19 से, तो ये भी शेयर प्रभावित हुए हैं, थोड़ा कम प्रभावित हुए हैं। तो चलिए, उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल के बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा, ताकि इसी तरह के वीडियो आपको आगे भी मिलता रहे। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।